उद्घाटन समारोह में मैं विनीत लोहिया आयोजन समिति से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के समारोह की मुख्य अतिथि हमारे ग्राम पंचायत गोला की सरपंच श्रीमती सुमन कंवर साहब हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार करतल बनी से उनका स्वागत करें। हमारे छोटे से निमंत्रण पे आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं श्रीमती कंवर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके समारोह की मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया। इस अवसर पर हमारे आयोजन समिति के प्रमुख श्री कंवल प्रकाश जी कृष्णानी, जो स्वामी न्यूज़ समूह के चेयरमैन भी हैं और काफ़ी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, पूरा शहर पूरा दिन भर इनका ऐसे निकल जाता है, वो भी आज हमारे बीच यहाँ समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनका भी मैं आयोजन समिति की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब सबसे पहले मैं मेरे प्रिय अनुज श्री हिम्मत सिंह जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से हमें हर साल दो प्रतियोगिताएँ इतनी अच्छे ढंग से करने को मिलती है, चाहे वो तीरंदाजी हो चाहे वो राइफल शूटिंग हो, वो हमारे शहर की नहीं बल्कि राज्य की एक पहचान बन चुकी है। आज देश भर से बहुत सारे तीरंदाज हैं या राइफल शूटर्स हैं, वो इस प्रतियोगिता को बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं। तो ऐसे आयोजनों के प्रमुख, हालांकि इनके पीछे पूरी टीम है, कोई भी सफलता तब तक पूरी नहीं होती जब तक आपकी पूरी टीम नहीं हो, लेकिन एक जो कैप्टन है या जो प्रमुख होता है उसकी डेडिकेशन, उसका जो भाव होता है, वो सबसे बड़ी काबिलियत की बात होती है। तो ऐसे हिम्मत सिंह जी को मैं बहुत साधुवाद और स्वागत करता हूँ कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस तरह के आयोजनों से शहर की खेल को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार हमारे बीच जो हमारे मेहमान विराजमान हैं यहाँ पे श्री रिजवान जी, श्री रिद्धाराम जी, विपिन कुमार जी शुक्ला, मध्य प्रकाश जी शर्मा साहब, विपिन जी साहब, बलवीर सिंह साहब, मैं आपका आयोजन समिति की ओर से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ा स्वागत बच्चों आपका है, अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ एक आयोजक हैं, आपकी वजह से, आपकी प्रतिभाओं की वजह से आज हम यहाँ आए हैं कि आपने अपने अपने फील्ड में, चाहे वो तीरंदाजी हो चाहे राइफल शूटिंग हो, हर फील्ड में अपनी अपनी एक दक्षता के साथ कितनी साल भर आप मेहनत करते होंगे, तब जाकर के कहीं इस स्थिति में आते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं। चूँकि मैं स्वयं खिलाड़ी रह चुका हूँ, 40-50 साल का मेरा अनुभव है, बास्केटबॉल से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये मुझे बहुत बड़ा अनुभव है कि जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप सोना बनेंगे नहीं, वो वाला मुद्दा है। तो सबसे बड़ी जो आपका स्वागत और अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ इन नन्हे नन्हे बच्चों को, कि आज नहीं तो कल हमारे राज्य का, देश का ये गौरव बढ़ाएंगे, इनके लिए जोरदार ताली से। इससे पूर्व की स्वागत की कड़ी को हम शुरू करें, आज की हमारी जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती कंवर, मैं उनके बारे में छोटा सा एक परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो आप बहुत परिचित हैं अपने काम के लिए और अपने स्वभाव के प्रति, आपने अपने ग्राम पंचायत गोला में विकास कार्यों का एक ऐसा मेला सा लगा दिया है कि जहाँ जाओ आप कुछ ना कुछ विकास नजर आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं और माननीय कंवल प्रकाश जी एक हिम्मत सिंह जी के निमंत्रण में इनके गांव जाने का हमें मौका मिला, और गांव के परिसर में जहाँ 7 गांव शायद आपके पंचायत में आते हैं, जब हमने देखा वहाँ की तस्वीर तो एकदम बदली हुई नज़र आई। ऐसी ही आई कि हम लोग किसी गांव में नहीं, किसी बड़े शहर या कोई अच्छे शहर की ओर जा रहे हैं। चारों तरफ विकास की एक जो है ऐसी नदी बही की देखने लायक बात थी, चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे वो स्टेडियम का मामला हो, चाहे दूसरे रोड्स का मामला हो, हर तरफ हमें ऐसा लगा कि हम किसी गांव में नहीं जा रहे, हर चीज़ बड़ी व्यवस्थित और बड़ी अच्छी तरीके से हमें देखने को मिली। तो ऐसे विकास के जो
दूर का एक चला है उसमें श्रीमती गवर का जो मुख्य रूप से भूमिका रही है। तो ऐसे अगर राजनेता या ऐसे कार्य करने वाले लोग हमारे देश में, राज्य में या गांव में हो तो हम लोग एक नई विकास की ओर चलेंगे। इसके लिए भी मैं आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने जो कार्य अपने कंधों पर लिया है। अक्सर हम देखने को मिलता है कि नाम किसी का होता है, काम कोई और करता है, नाम खाली एक दस्तखत होते हैं या अंगूठा लगता है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा भाभी जी का काम तो मुझे लगा कि वाकई नारी शक्ति, अब हम ये नहीं कह सकते खाली नाम के लिए, नारी शक्ति का मैंने वो रूप देखा कि वाकई मन गदगद हुआ। तो हम एक बार पुनः आयोजन समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। और न सिर्फ सरपंच तक, मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आगे आप जिला प्रमुख बने और मंत्री बने या और आगे बढ़े, तो हमारा जब आप बने तो हमें भूल मत जाना तब हमें भूल मत जाना कि भाई हम लोग जो दुआएं दी तो हमारा कुछ परसेंटेज वहाँ जरूर ध्यान रखें, विकास का है काम, पैसों का नहीं है। मैं स्वागत के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ अभिलाषा राठौर जी को कि वो आए, और हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन कंवर जी को माल्यार्पण कर। इसी कड़ी में मैं हेमंत सिंह जी राठौर से अनुरोध करूंगा कि हमारी समारोह के अध्यक्ष श्री कमल प्रकाश जी का माल्यार्पण करने का स्वागत है। मैं बलवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि श्री रेताराम जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जीतमल जी साहब को कि वो पधारे और वजी विशाल जी का स्वागत करें। मनोज शर्मा जी से अनुरोध है कि वो वीके शुक्ला साहब का मैं निवेदन करूंगा आओ आप हमारे विनीत भैया जी का स्वागत करें। मैं निर्मल से निवेदन करूंगा, निर्मल जी आए और हमारे बना का स्वागत करें। आपका भी स्वागत हमारे। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारे बीच दो बड़े युवा प्रतिभावान तीरंदाज यहाँ उपस्थित हैं। मैं इन छोटे बच्चों से बुलाऊंगा, दो छोटी बच्चे आ जाएं जरा, छोटे बच्चे आ जाएं जरा, दोनों बच्चे आ जाएं, आओ बेटा। हाँ, अपनी दीदियों को स्वागत करें। देखो कल को आपको भी ऐसे बनना है। वकील साहब विराजे में, मैं उनके लिए भी अनुरोध करूंगा। निर्मल क्या नाम वकील साहब? हेलो, नहीं आज छुट्टी है देखो। स्वागत की इस कड़ी के बाद इससे पहले कि मैं कमल प्रकाश जी को आमंत्रित करूं, मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि से पहले शायद मैं पहले आप बोल रहे कमल प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आयोजन समिति और इस प्रतियोगिता के बारे में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस जयंती के आज शुभारंभ है। आज का दिन है 10 तारीख और आज 856वीं जयंती, कौन सी 856वीं जयंती के
अवसर पर आज तीरंदाजी प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है और वो भी करनी एकेडमी पे प्रारंभ हो रही है। तो आप ये देखिए कि इसके दो संयोग हैं। पहला संयोग तो ये कि तीरंदाजी की बात करते हैं और पृथ्वीराजी को याद नहीं करें तो मतलब तीरंदाजी अधूरी है, क्योंकि तो उन्होंने आंखों पे पट्टी मार बांध कर और गौरी का वध किया था, ये सभी को आप लोगों को मालूम है। इस एकेडमी के हमारे सबके प्रिय हिम्मत सिंह जी भाई साहब, हमारी मुख्य अतिथि महोदय, हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर हमारा अजमेर का नाम देश दुनिया तक पहुंचाने वाले विनीत लोहिया जी, शुक्ला जी भाई, सब लोग और हमारे जितने भी कोचेज हैं यहाँ पे सभी, और दो मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो आज अजमेर का नाम ऊंचा कर रही हैं, परंतु ये दो प्रतीक हैं इसमें, परंतु ये प्रतीक के रूप में आज और जो बच्चियाँ इनसे और भी अनुभव प्राप्त करेंगी और आगे बढ़कर हमारे अजमेर का नाम ऊंचा करेंगी, और अजमेर नहीं राजस्थान का नाम ऊंचा करेगी, राजस्थान का नहीं हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेगी। निश्चित रूप से आप लोगों का सबका स्वागत है, क्योंकि कोई भी कार्य निश्चित रूप से विनीत जी ने कहा कि टीम के बगैर अधूरा रहता है, तो टीम तो ये पूरी जो साथ में लगती है, बच्चे लगते हैं और सारी पूरी टीम लग के कार्य करती है, अब जाके इस अंजाम तक हम लोग पहुँच पाते हैं। परंतु उन सब चीज़ों की लीडरशिप की बात करें तो पूरा सबको हिम्मत सिंह जी बैठक ने जिस तरीके से ये यहाँ पे पौधा लगाया है, निश्चित रूप से अब क्या वृक्ष वृक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है। जब ये पिछले दिनों में हमारे यहाँ की एक राइफल की बच्ची जब जाके नेशनल खेल के आई और इंटरनेशनल खेल के आई, हमारे और बच्चे भी अब जब नेशनल इंटरनेशनल तीरंदाजी में पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव इस एकेडमी से मन रूप से जुड़ा हुआ है। आज से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है, कल प्रतियोगिता का दूसरा दिन रहने वाला है, उसके बाद में इन के बाद 12 तारीख को चित्रकला प्रतियोगिता होगी, चित्रकला प्रतियोगिता के बाद में गायन प्रतियोगिता होगी, गायन प्रतियोगिता के बाद में हॉकी के भी टूर्नामेंट होने हैं और भी स्पोर्ट्स काफ़ी होने, जो राइफल शूटिंग का भी कार्यक्रम होना है, और उसके बाद कबड्डी के भी मैचेस होने हैं, इसके अंदर कबड्डी के भी होने, खो खो भी होने वाला है, और उसके बाद में इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अजमेर में पृथ्वीराज स्मारक किस किस ने देखा है ये बताओ, किस किस ने देखा है, देखा है आपने, आयो आप भी आयो, आप भी आयो, आप नहीं आयो, आप भी आए थे ना, आए थे, आपने इनाम दिया था वहाँ, तो वहाँ पे एक बार पृथ्वीराज स्मारक पे 29 तारीख को बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि 29 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, परंतु इस बार बड़ा कार्यक्रम, वैसे तो हर साल बड़ा कार्यक्रम होता है, इस बार विशेष रूप से क्या है कि इस स्मारक को बने हुए 25 साल हो गए, कितने साल हो गए, 25 ईयर, तो इस बार रजत जयंती के रूप में उस स्मारक को हम लोग मनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर ज़्यादा जुड़ेंगे, तो आप लोगों जो आप लोगों के इनाम वगैरह हैं वो इनाम वगैरह भी हम लोग वहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी। तो मेरा तो सिर्फ इतना है, खेल के माध्यम से हम लोग महापुरुषों तक कैसे पहुंच सकते हैं, महापुरुषों को जोड़ते हुए हम कैसे खेल कर सकते हैं, यदि हमारे मन में यदि भाव होगा तो निश्चित रूप महापुरुष भी रहने वाले हैं और ये खेल भी जिंदा रहेगी। छोटे छोटे बच्चे जब हम लोगों के साथ में जुड़ते हैं और खेलों के माध्यम से जुड़ते हैं तो हमारे को तो प्रतिबिंब में दो ही चीज़ें दिखती है, प्रतिबिंब दिखती है एक तो कि महापुरुष का नाम ऊंचा करते हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और जो बच्चे हैं जो हमारे भारत का भविष्य है उन भविष्य को देखने को मिलता है। आप लोगों के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चे घर में वीडियो गेम के अंदर खेलने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं उनकी जगह उनको कहीं ना कहीं मैदान में आना चाहिए, जब तक वो मैदान में नहीं आएंगे तब तक कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, फिजिकल यदि वर्किंग चाहिए तो उसके लिए मैदान में आना जरूरी है, और मैदान में आप लोग जब प्रेरणा के स्रोत में रूप में आप लोग यदि बढ़ेंगे और लोग भी जब देखेंगे, जब देश दुनिया में मीडिया इन सब चीज़ों को कवरेज करके देश दुनिया तक पहुंचाता है, जैसे शुक्ला जी जैसे एक्सपर्ट लोग हम लोगों के बीच में रहते हैं और सारी सब चीज़ों को वर्किंग को सिखाते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, मैं क्योंकि मैं तो उन सब चीज़ों में यहाँ पे कार्यक्रम के साथ में शुरू से जुड़ा हुआ ही रहा हूं, तो जब देखा कि आपने अपनी तीरंदाजी से किस तरीके से मुख्य अतिथि आते हैं उनको माला पहनाते हैं एक दिन में, तो ये भी बहुत बड़ी कला है भला हमको, मैं तो जब इनने पहली बार बोला था कि भाई ऐसे माला वाला पहनानी है तो मैंने तो एक बार पहली बार में मना कर दिया, भाई मैं मुख्य अतिथि में ये रिस्क नहीं लूंगा, क्यों नहीं लोगे, मैंने कहा दीदी आपका तीर यदि गलती से एक जगह दूसरी जगह लग गया तो क्या हो जाएगा, क्या भाई साहब निश्चिंत रहो कुछ नहीं होगा, पहले साल तो मैंने करने में गया, फिर दूसरी बार ऐसे ट्रायल करी, फिर तीसरी बार भी करके और फिर उसकी वर्किंग हुई जुड़ी, क्या होता है,
हम निश्चित रूप से जुड़ते हैं, मुख्य अतिथि अलग अलग लोग आते हैं, तो कहीं रिस्क फैक्टर भी रहता है, कहीं छोटी सी भी निशाना, पर कहते हैं भाई साहब अपना निशाना अचूक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पर वो देखने को जब बाद में मिला तो निश्चित रूप से अचूक निशाना देखने को मिला। मैं देखो इस समय में ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, खेलने के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान, पढ़ाई क्योंकि आप जब पढ़ाई करोगे और खेलोगे तो क्या होता है कि जब अपन कहीं भी बाहर खेलने जाएंगे तो वहाँ पे एजुकेशन और कन्वर्सेशन के बीच में यदि किसी तरीके का यदि गैप रह जाएगा तो शायद आप लोगों को बात करने में सारी सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो सब चीज़ों के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि आपके दुनिया भर के लोग आने, मैं भी श्रीलंका गया, श्रीलंका की लैंग्वेज हम लोगों को आती नहीं थी, उन लोगों को या तो उस कंट्री की लैंग्वेज आती थी या थोड़ी बहुत शब्दों के अंदर जुड़ सकते थे, तो इंग्लिश के कुछ शब्द पढ़ा सकते थे ज्यादा, हमको एक वैसा बीच में बातचीत करने वाला एक व्यक्ति अलग से रखना पड़ा जो हम लोगों की बात उन तक पहुंचा रहा था, उनकी बात हम लोगों तक पहुंचा रहा था, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत, अब जब खेलेंगे तो हमको ये दिक्कतें आएंगी, तो उन सब चीजों के हिसाब से यदि कर सकते हो, आज दुनिया के अंदर इंटरनेट की यदि फैसिलिटी है तो उस इंटरनेट में छोटी छोटी भाषाओं के बारे में भी छोटी छोटी जानकारी हम लोगों को लेनी जरूरी है, यदि हमारे पास देश की छोटी छोटी जानकारियां रहेंगी और विदेशों की भी छोटे छोटे शब्दों की जानकारी हमारे पास रहेगी ना, तो सामने वाला कुछ बोलेगा तो शायद हम लोगों के बीच में, वैसे तो क्या होता है एक सबसे अच्छी भाषा क्या होती है, कुछ भी मुंह से मत बोलो, इशारे में बात करो, तो वो भाषा कुछ भी नहीं है, वो सबके अंदर एक जैसी है, तो बिल्कुल आसान है, तो इशारों में कैसे अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, इन सब चीजों को भी हम लोगों को पहुंचानी चाहिए, तो निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे और अपने हिसाब से जो आप लोगों का टारगेट है जिस टारगेट को अचीव करना है, जो लोग विजेता रहने वाले हैं उनको निश्चित रूप से मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, परंतु जो किसी कारण से दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे रह जाते हैं उनको किसी तरीके संकोच नहीं करना चाहिए, अगली बार अधिक प्रयास हम कैसे कर सकते हैं इस पर हम लोगों को कोशिश करनी थी, यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद कमल प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी युवा पीढ़ी को बताई है, कि आपने खेल की महत्ता बताई है, और वहीं सबसे बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आज बच्चा जो है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर अपने मोबाइल्स में या इंटरनेट पे या घरों में बंद होकर के रह गए, तो वो जो आपकी अपील है वो बच्चों आप बहुत गहनता से मन में उतारें, अपने इन चीज़ों को दूर रखें, बाहर निकलें, मैदानों में जाएं, कोई खेल खेलें, कोई आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, रनिंग करें, तो आई थिंक आपका आने वाला समय बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, साथ ही आपने शिक्षा की बात भी बताई, तो मैं ये भी कहूँगा मेरी तीन बेटियाँ हैं, तीनों बेटियों ने स्पोर्ट्स भी खेला और पढ़ाई में भी बहुत ऊँचाइयाँ हासिल की, तो मुझे इस बात का गर्व है कि बच्चों ने जब खेल का समय था तो वो नेशनल लेवल तक बास्केटबॉल खेली, और जब पढ़ाई की बात आई तो वो उन्होंने सीए भी किया, एमबीए भी किया, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेकर के बच्चे तीनों सेटल हैं, तो ये कभी कभार जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही चीज़ हम आगे वाली आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि देखिए हमने जो देखा या सीखा या जो कुछ कहा या सुना है वो चीज़ आज तक कैसे पहुँचाएँ, उसमें क्या चीज़ रोकें, क्या चीज़ आपको पहुँचाएँ, तो बहुत अच्छा आपने बताया कौन प्रकाश जी ने कि पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ जारी रखें, तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका भविष्य भी बहुत अच्छा बनेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करके आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन कंवर जी से मैं आज मानूंगा नहीं क्योंकि देखिए हम मातृशक्ति को हाँ है ना, आप बोलिए, आप बोलना शुरू करेंगे तभी बाद में याद रखेंगे कि हाँ भाई साहब ने पहली बार इनके बोलने के लिए बोला था, कौन है जिनको लेके हाँ नहीं आप बोलो पूरा बोलो साहब आप। मंच पे विराजमान मुख्य अतिथिगण, बाहर से आए हुए बच्चे और खेलो इंडिया से खेले हुए हमारे पुराने कर्ली शूटिंग के खिलाड़ी, मैं आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कमल प्रकाश जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे कर्ली शूटिंग के इस कैंप का आपने आयोजन किया, और वहाँ से ये छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे आए हैं मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ कि बेटा खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, जैसे ये जो दीदी है ये पहुँची है उसी मुकाम पे आप लोग पहुँचो, क्योंकि आप अपने गाँव शहर
और देश के भविष्य हो। आपसे ही अपना देश है, आपसे ही अपना शहर है और आपसे ही अपना गांव है। इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि जैसे आपके पेरेंट्स आपको यहाँ लेके आते हैं, आप इतनी धूप में खेलोगे, तो मेहनत करो और अपने गांव का, अपने शहर का, सबसे ज़्यादा अपने देश का नाम रोशन करो। धन्यवाद। आज शायद आपने बहुत अच्छा पहला भाषण दिया है, इसकी फीस मुझे आप दे देना है, क्योंकि अब आप जब आगे बढ़ेंगे, जब धीरे धीरे बढ़ेंगे, पंचायत तो बोलते हैं। हाँ, पंचायत ने, अब मैंने तो आज पहली बार सुना है, तो मैं तो फीस लूंगा ही लूंगा, गुरु दक्षिणा जिसको कहते हैं, और इसके शहर की, शहर के, हाँ, इसे एक मैं बहुत अच्छी वाक्य मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अजमेर माए में, वैसे भीलवाड़ा को बिलोंग करता हूँ, और इंडिया टीम में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैं अजमेर, मुझे रेलवे की तरफ से जॉब करने का मौका मिला, तो सोफिया स्कूल में मैं कोचिंग करने जाता था बास्केटबॉल की। तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ठीक है, एमपी से पढ़ के जरूर आए थे, लेकिन उतने परफेक्ट नहीं थे, तो हमें कन्वर्सेशन में बड़ी दिक्कत आती थी। वो सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते थे, हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, कम आता था, लेकिन ठीक है, नहीं आता था। तो जो मेरी टीम हुआ करती थी, इसी तरह छोटे छोटे बच्चे, खूब सारे 20-25-40 बच्चे आते थे, तो हम उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते थे। तो उनका एक ही चीज़ हुआ कि बोले, सर आप जितनी आपको अंग्रेजी आता है, जैसी आए तोड़ मरोड़ करके जैसी आए बोलो, तो आप जब बोलोगे तो हम आपको सुधार देंगे, और जब हम गलती करें खेल में तो आप हमें सुधार दो, तो कोचिंग आप करो हमें, और हम आपको बोलना सिखाते हैं, हमें आप खेलना सिखाओ। तो ये अच्छी बात है, आपने बोलना शुरू किया, और आप हमारी शुभकामना है कि आप इस दिन आप आगे बढ़ते रहें। बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे, हाँ, मैं आज के समारोह के अंत में श्री हेमंत सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपना उद्योग, आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे क्या? आज तीरंदाजी प्रतियोगिता में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिनकी जयंती के उपलक्ष में ये तीरंदाजी प्रतियोगिता अपन आयोजन किया है, और ये लगभग 8वीं या 9वीं प्रतियोगिता होगी हमारी, हर बार बड़े स्तर पर हम कराते हैं। इस बार खेद है कि कुछ बड़े टूर्नामेंट होने की वजह से बाहर स्टेट से कोई नहीं पहुंच पाया, नहीं तो पूरे इंडिया से हर स्टेट से बच्चे यहाँ आके अपने टूर्नामेंट करते हैं, और इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान टूर्नामेंट का पूरे भारत में परिचय का कोई वो नहीं है, कि सब जानते हैं कि ये टूर्नामेंट यहाँ होता है, और अपने इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन कंवर, ग्राम पंचायत गोला सरपंच, और केवल प्रकाश जी किसनानी साहब, विनीत कुमार जी लोहिया सर, बद्री विशाल जी शर्मा साहब, रिद्धराम जी चौधरी, शुक्ला जी सर, जीतमल जी सर, बलवीर जी सर, और वकील साहब, और मनोज शर्मा जी, और बच्चे, आप सभी का यहाँ पे सम्मान है। और इस प्रतियोगिता में जो छोटे छोटे बच्चे तीरंदाजी का जो गेम हमको दिखाएंगे, और काफ़ी समय से शुक्ला जी के दिशा निर्देश में खेलते आए, तो मैं जानता हूँ कि शुक्ला जी का तो वैसे आप लोग देख चुके हैं कि तीर से माला पहना देते, तो उनके शिष्य तो तेज होंगे ही, तो अच्छा गेम देखने को मिलेगा आपको। और आने वाले 25 और 26 तारीख को हम शूटिंग चैंपियनशिप भी करा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की, तो मैं चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट को आप सफल बनाएं और अच्छा गेम करें, और आगे भी आप अच्छे गेम खेलें तो आपका भविष्य बने। तो इसी के साथ मैं अपना और आप सभी को धन्यवाद है, आपने आज इस प्रतियोगिता में भाग लिया और पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ।
कल है हाँ ठीक है ना, ये ना यूनिट आ गया ठीक है, ये चलाएगी ना, ये अतिथि हो जाए, अतिथि सारे खड़े होंगे यहाँ से ना, लाइव चल रहा ना। इसमें आर्चरी जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें एज वाइज है, 10 ईयर से और 14 ईयर तक लिटिल चैंप है, और जूनियर 14 से 17 तक, और सीनियर है अब किस जगह हो रही है, तो कौन से एकेडमी में हो रही है ये? करनी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी से हो रहा है। हाँ। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर ये प्रतियोगिता आयोजन की गई है, और शायद ये 7वीं या 8वीं प्रतियोगिता है। ठीक है, हाँ चलो आप करवा मिल सेक्शन देखे, आप करा जैसे शुरू कर रहे हो तो थोड़ी आ जाएगी लाइन, हाँ सर खेचो भैया जी खेचो।
कितने राउंड किए हैं? Gracias.